उम्र दे, ये एको गर्लफ्रेंडो एक कोटो ने है, सिंगल टहल रहे हैं और आप बोलते हैं शादी को लेके। शादी शादी उसकी होती है जिसके खुशी का खात्मा बहुत जल्द होने को होता है। तो खुशी का घड़ा मेरा भरा नहीं है अभी तक, तो हम अभी इसी में खुश है, सिंगले चल रहे हैं, सिंगले ठीक है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, सिंगले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नए ब्लॉग्स वीडियो में। गाइस जैसा कि आप लोग बार बार बोलते थे, भाई एक बार जो है अपने भागलपुर बिहार के आदर्श आनंद से मिलाइए। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि अभी जो है भैया सामने हैं और मैं भी सोचूं कि भैया से मिलूं और आप लोगों को भी मिला दूं। तो अगर आप भैया का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। भैया का जो शूटिंग हो रहा था वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ मैंने आज के इस वीडियो में दिखाया है। और आज के इस वीडियो में जो है भैया से कुछ पर्सनल डिटेल्स जानेंगे, कैसे कैसे भैया जो है ग्रो किए और क्या मतलब की खासियत था और कैसे कब अपने टैलेंट को पहचाने, ऐसे सब कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजबल भी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। भैया आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप और थ्रू जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी और आपको भी भाई। और हम चाहते हैं कि भैया जैसे आप अपने वीडियो में जो है लास्ट में एक अपना परिचय देते हैं, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार, उस तरह से आप अपने ऑडियंस को थोड़ा परिचय देते। जी हाँ नमस्कार, मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से। हाँ जी मैं हूँ बिहार का लड़का, भागलपुर का बेटा, आप सभी का दोस्त और भागलपुर बिहार का छोटा मोटा होस्ट, कॉमेडियन और एक्टिंग की दुनिया में, एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की कोशिश करने वाला आपका आदर्श। भैया आप जो नाम ये आदर्श आनंद है, ये कब से पहले से था या फिर बाद में रखे हैं? ये बाद में तो नहीं रखा जाता है नाम, पहले ही रखे हैं, पापा रख दिए हैं। अच्छा अच्छा, और ये पापा की देन है, सो पापा का शुक्रिया अदा करते हैं कि पापा ने ही मुझे ये नाम दिया और ये नाम को लोगों ने अपनाया, लोगों ने चाहा, लोग प्यार कर रहे हैं इस नाम को, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपका आदर्श। अच्छा इस फील्ड में भैया कब से आए आप? जब से जन्म ले लिए तब से इस फील्ड में हमको लगा कि हम ढूक चुके हैं। तो मतलब तभी ही पहचान लिए थे आप अपने टैलेंट को कि हाँ मुझे यही करना है, एक्टिंग वगैरह? नहीं, एक्टिंग वगैरह का शौक, एक्टिंग वगैरह का जो कीड़ा है डांस का कीड़ा है, पहले डांस किया करते थे। हाँ हाँ, डांस के बाद इन तमाम एक्स्ट्रा करिकुलम में मेरे को रुचि हुई और ये सब सारी चीज़ें मेरे पापा के थ्रू आई है। उठा उठा के पटक पटक के मारते थे, पीठ पे एकदम घुमा के देखो नहीं, तो ऐसे टाइप से ही आया है। अच्छा ये आप पहले तो ऑफलाइन करते होंगे या सोशल मीडिया तभी से आ गए थे? नहीं नहीं सोशल मीडिया पे तो बाद में, तो ऑफलाइन करते तो ऑफलाइन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे। हाँ। डीएम से पुरस्कृत हुए, बहुत सारे नेताओं से पुरस्कृत हुए। हाँ। चार साल की उम्र से ही मतलब पहले डांस किया करते थे, डांस जैसा मैंने कहा अभी, तो डांस से शुरुआत हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये डांस के साथ साथ कॉमेडी, एक्टिंग, सिंगिंग और स्टैंड अप कॉमेडी, ये सब कुछ करते करते मिमिक्री भी करना, वॉइस ओवर भी करना, डबिंग भी करना, ये सब कुछ करने लगे। सोशल मीडिया पे कब आए थे? सोशल मीडिया पे जब थोड़ी बहुत चहल पहल लगी कि हाँ सोशल मीडिया पे जो है कुछ करना चाहिए, और एक दोस्त है मेरा सनी कुमार राणा, उसने मेरे को बताया कि यार यू शुड अपलोड योर वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, दैट इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। सो सिंस दैट टाइम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मिमिक्री वाले वीडियोस, कॉमेडी वाले वीडियोस मैं उसमें अपलोड किया करता था। वीडियो आपका जो है वायरल कब हुआ था और कौन सा हुआ था? वायरल, ये वायरल का मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि एक दिन में दो तीन वीडियोस मेरे वायरल हुए थे, एक दिन अच्छा। में मेरे 5 मिलियन 6 मिलियन ऐसे करके व्यूज़ आए हुए थे वीडियोस पर, तो स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में एक वीडियो अच्छा। पहले वायरल हुआ था वो ऋतिक रोशन का था, जिसकी हाँ। मैंने आवाज़ निकाली थी। हाँ हाँ देखे थे वो हम जी। अच्छा आपको अपने मतलब की करियर में जो होता है ना, एक कोई भी वीडियो फेवरेट लगना, वैसा कोई वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता हो खुद का वीडियो, ऐसे तो अभी सबका वीडियो आप सब वीडियो आपको पसंद आएगा और सबको भी आता है, लेकिन ऐसा जो वीडियो जो आपको बहुत कुछ सीख देता हो या फिर अच्छा लगता हो ऐसा? मेरी सारी वीडियोस लोग पसंद करते हैं, ये ऊपर वाले की दया है और आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल कोई ऐसा फेवरेट वीडियो कोई नहीं है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ सारे लगन और मेहनत से बनाता हूँ, जैसा अभी आपने देखा, मैंने देखा, तो मेरे सारे वीडियोस मेरे लिए फेवरेट हैं क्योंकि मैं खुद का फेवरेट हूँ। सो और मेरे बच्चे मेरे फेवरेट हैं। सो मेरे साथ जो भी बच्चे छोटे छोटे हैं दे आर जान ऑफ माइन, सो मेरे हृदय हैं वो लोग। सो मेरे सारे वीडियोस नेचुरल होते हैं, रियलिटी उसमें बयां होती है, अच्छा कोई दिखावा नहीं होता। सो मेरे लिए सारे वीडियोस मेरे लिए फेवरेट है। जैसा कि मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ, उसमें क्या होता है ना, एक आधा वीडियो ऐसा होता है जो लड़की का मतलब कि उसमें देते हैं रोल, तो उसमें पहले तो उतना फेमस नहीं थे,
तो पहले तो ऐसा मतलब समाज में होता होगा कि आवाज़ उठता होगा, देखो फलना ऐसे वैसे, तो ऐसा भी कुछ हुआ था आपके साथ? ऐसा तो बहुत सब मतलब कहने वाले कहते रहेंगे ना। हाँ वो तो है, तो कहने वालों के चक्कर में रहोगे तो भाई कर थोड़ी पाओगे। अब ब्लॉगिंग आप कर रहे हो, क्या ब्लॉगिंग करता है, झुट्टे का उल्टा पुल्टा माइक लेके लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये आप सही पूछ रहे हैं, बस वही चीज़ है। तो ये चीज़ से आपको बहुत चीज़ सीख मिल सकता है, तो बस अभी वही चीज़ देखिए, वही चीज़ अभी भी कर रहे हैं भैया, लेकिन अभी सब कोई चाहते हैं, सब कोई प्यार देते हैं। बदलाव यार, बदलाव होती है, और बस भैया ने अपने टैलेंट को पहचाना और मेहनत करते गए और आप अभी देख पा रहे होंगे कहाँ हैं। तो भैया मैं और जानना चाहूँगा, अभी जो है आप ये जो स्क्रिप्टिंग सब करते हैं, कोई भी वीडियो शूट करते हैं, या बेरोजगार वाला मैंने गाना भी सुना था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, शुक्रिया। तो उस सब जो करते हैं आप खुद से करते हैं या फिर आपका? नहीं, मेरा ये सब कुछ खुद से ही होता है। अब अब देख लो जो भी सारी चीज़ें हैं। हाँ, अभी हाल ही में एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है जो कि भाई जैसा है। राज नाम है बंदे का। तो अभी कुछ एक्शन वाले वीडियोस हमने शुरू किए हैं। सो एक्शन वाले वीडियोस जो शूट होता है, एडिटिंग जो है ना, एक्शन वाले जितने भी एक्शन वाले वीडियोस होते हैं, एडिटिंग जो है राज करता है, यानी स्टॉप लाला। तो अभी तो 3-4 महीने से तो बंदा वही मतलब एडिटिंग एक्शन वाले सीक्वेंस वाले वीडियोस वही शूट करता है, और बाकी ये सब सारी चीज़ें सबको मॉडरेट करना, सबको साथ में लेना, या फिर स्ट्रक्चर तैयार करना, क्या होगा कंटेंट, वो सारा डिसाइड मैं ही करता हूँ। अच्छा अच्छा भैया, अभी जहाँ लाइक कोई स्पॉन्सर आता है आपके लिए, कोई एड करने के लिए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? देखिए वो तो चलिए रहा है। हाँ, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और अभी जैसे कि और आपको तो अभी सब कोई पसंद कर रहे हैं, लाइक वो भोजपुरी एक्टर हो या हिंदी के हो, जहाँ आपको ऑफर करता है, या भोजपुरी हो या हिंदी, तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे और कौन आपका फेवरेट है, ऐसा बता। देखिए अभी ऐसा कोई पर्सनली मेरा कोई फेवरेट नहीं, और रहा बात ऑफ़र का, तो ऑफ़र कोई नहीं करेगा, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे किधरों का बात करें, अभी ऑफ़र कोई नहीं करेगा। कहा कि अभी माहौल ऐसा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है, सामने वाले एक्टर या एक्ट्रेस को ये लगता है कि ये हमसे कई गुना ज़्यादा शायद बेहतर है, तो अगर ये इंडस्ट्री में आएगा तो फाड़ के रख देगा। हाँ, आग लगा देगा, क्योंकि बंदा कर रहा है सब कुछ। आप तो हमको लगता है कि आप खुद एक फिल्म तैयार कर सकते हैं। अभी हो ही रहा है, ये फिल्में चल रहा है ना, अभी तो फिल्में चल रहा है। हाँ, तो बस वही सब सारी चीज़ें हैं, तो अपना आपके अंदर खुद एक इंडस्ट्री है, अब एक खुद एक इंडस्ट्री हो, एक बच्चा जो मेरे साथ है उसके अंदर खुद एक इंडस्ट्री है। सो आने वाला कल अगर देखा जाए कि बॉलीवुड टॉलीवुड से अगर कॉल आया तो जाइबे करेंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, अपना प्रतिभा वहाँ पर बिखर के आएंगे, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ी खीड़ है। हाँ, बट मुश्किल भी नहीं है। अच्छा भैया, एक आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? देखिए सुबह 8 बजे जाते थे, 2 बजे आते थे, 8 से 2 तक तो पढ़ाई किए। फिर मॉर्निंग होता था, फिर मॉर्निंग में भी जाते थे, उससे भी करते थे, लेकिन ये तो जोक का बात है। पढ़ाई मेरा अभी भी जारी है, और अभी मैं पढ़ाई पढ़ता रहता हूँ, किताबें मेरे को बहुत पसंद है, तो पढ़ाई में कोई भी किताब लेकर मैं बैठ जाता हूँ, पढ़ाई तो अभी भी जारी है। लेकिन मैंने कहाँ तक पढ़ा है ये बता दूँ मैं, बहुत कम लोगों को पता है, मैं MSc कर रहा हूँ अभी, और हाल ही में एडमिशन लिया है। मतलब जैसा मुझे लग रहा है, मतलब जिस एक्टिंग करने में जितना आपको जुनून है, उतना पढ़ने में भी है। अभी तक जब पढ़ने में बहुत कर रहे हैं, ये देखो मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स ऑनर से किया है, तो पापा का बहुत हाथ रहा है, डांट कर या फटकार लगा कर, ज़बरदस्ती भी मेरे को मतलब करवाए हैं कि तुम ये करो, क्योंकि मेरी रुचि तो ज़्यादा इसी क्षेत्र में थी, बट मैंने ये तमाम चीज़ को दिल से निभाया है, दिल से किया है, और मैंने पापा को बोला ठीक है मैं डिग्री लूँगा फिजिक्स ऑनर्स पर, और आपको मैं डिग्री थमा दूंगा, और अच्छा डिग्री रहेगा, तो पापा खुश हैं अभी उस डिग्री से। तो अभी मेरे को तो इस जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो पापा खुश हैं। अच्छा आपका एज कितना हो रहा है अभी? अभी देखिए कुछ लोगों से एज नहीं पूछा जाता, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, काहे कि ना हमारा एज जो है ना, अभी उम्र 55 का, दिल 55 का, और इन्हें सोच लीजिएगा हम 55 का हैं, तो तैसे तेईस चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, बस चल रहा है, देखते हैं कब 55 हो जाए, यह पता नहीं। अच्छा भैया कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो अगर आप जी चाहे तो होगा, नहीं तो कट कर देंगे वीडियो में।
शादी को लेके आगे क्या ख्याल है आप? धू मर दे, ये एगो गर्लफ्रेंडो एक कोटो ने है, सिंगल टहल रहे हैं और आप बोलते हैं शादी को लेके। शादी शादी उसकी होती है जिसके खुशी का खात्मा बहुत जल्द होने को होता है। तो खुशी का घड़ा मेरा भरा नहीं है अभी तक, तो हम अभी इसी में खुश है, सिंगल ही चल रहे हैं, सिंगल ही ठीक है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, सिंगल।